आइए स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी और कंसंट्रेशन का एक खूबसूरत सा टॉपिक है जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कि अगर वॉल्यूम की जगह आपको सॉल्यूशन के बारे में वेट दिया हो तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं मोलैरिटी की, तो सॉरी मोलैरिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम और ऑन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब जैसे आपने मोलैरिटी पढ़ा था, मोलैरिटी क्या कहता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन किसने दोस्त, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बट ये क्या कहता है, ये कहता है भैया अगर आपको मोलैरिटी के बारे में जानना है तो मुझे 1 किलोग्राम का सॉल्वेंट देना पड़ेगा। किसका देना पड़ेगा, 1 किलोग्राम का सॉल्वेंट देना पड़ेगा। तुमने कहा अच्छा अच्छा, तो तुमने कहा फिर फॉर्मूला भी तुम्हारा इसी हिसाब से होगा। तुमने कहा बिल्कुल फॉर्मूला भी मेरा इसी हिसाब से है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको मोलैरिटी बहुत अच्छे से आती है, वैसे भी कहां आती है, आती ही होगी, नहीं भी आती है तो सुनो जरा, मास ऑफ, रोना मत रोइएगा, कोई नहीं सुनेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तुमने कहा इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन सॉल्यूट से। मैंने कहा बिल्कुल, हमने कहा इसको डब्ल्यू सॉल्वेंट लिख दो, लेकिन पीछे थोड़ा सा केजी लगा देना ताकि आइडिया रहे कि मास तो ले रहे हैं लेकिन किसमें लगाएंगे केजी में। तुमने कहा चलो ये चीज तो समझ में अपने को आ रहा है कि मोलैरिटी क्या है, बस है कुछ नहीं समझ में आ रहा अभी, अभी दे समझ में आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलो का, ये क्या है। हमने कहा जब 1 किलोग्राम पानी लोगे तुम और उसमें जितना सॉल्यूट मिलाओगे, जितना मोल सॉल्यूट मिलाओगे वही क्या होगा, मोलैरिटी होगा। तुमने कहा अच्छा अच्छा, आप धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये जो मोलैरिटी है ये मोलैरिटी की तरह है, ये भी सॉल्यूट के मोल के नंबर बताता है, बट रेफरेंस इसका क्या होता है, 1 किलोग्राम का पानी होना चाहिए। मैंने कहा यूनिट की बात करोगे तो यूनिट क्या आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, नीचे क्या है डब्ल्यू केजी है। तुमने कहा हां, तो मोलैरिटी की यूनिट क्या आएगी, मोल पर किलोग्राम, क्या आएगी मोल पर किलोग्राम, या फिर आएगी मोलल, क्या फिर आएगी मोलल, या फिर इसे मोलल बोल सकते हैं या फिर मोल पर किलोग्राम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ आए 1 m सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या मान सकते हो, पानी, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने कहा कि मेरे पास 2.5 स्मॉल m ग्लूकोज सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, तो तुमने कहा इसका मतलब क्या होगा, ध्यान समझिएगा, इसका मतलब होगा 2.5 मोल ग्लूकोज प्रेजेंट है किसमें दोस्त, प्रेजेंट है इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट का जब 1000 ग्राम लोगे तो उसमें क्या होगा, जितने मोल प्रेजेंट होंगे सॉल्यूट के वही क्या होगी, उसकी मोलैलिटी होगी, क्या होगी, मोलैलिटी होगी। तो आइए छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 120 ग्राम यूरिया
प्रेजेंट इन 2500 ग्राम ऑफ वाटर। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, 2 मोल शुगर प्रेजेंट इन डिजॉल्व इन 5 लीटर ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ वाटर। तुमने कहा मोलालिटी निकालनी है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला लिखोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा, डिवाइड कर दोगे डब्ल्यू केजी से। तो हमने कहा मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, तुमने कहा 2 मोल शुगर प्रेजेंट है, हमने कहा 2। तुमने कहा वेट कितना है, तुमने कहा 5, 2/5 हो गया 0.4, कितना हो गया 0.4, कितना हो गया दोस्त 0.4 हो गया। ठीक है, ठीक है, मजा आ रहा। तुमने कहा 120 ग्राम यूरिया, हमने कहा सुनो फॉर्मूला फिर से लिखो। तुमने कहा मोल डब्ल्यू के जी, हमने कहा हाँ। तुमने कहा मोल, हमने कहा 120, तुमने कहा यूरिया, हमने कहा 60। तुमने कहा ओहो हो, अरे यूरिया का मोलिकुलर मास 60 नहीं होता है, होता है 2500 ग्राम है, पानी में ही तो मिला ना, पानी ही तो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को किलोग्राम में बदलो, 2 / 2.5। अब कुछ जने नहीं जान रहे होंगे, देखो 60 दूनी 120 होता है, और 2500 में 1000 का भाग लगाओगे 2.5 आएगा। तुमने कहा सर इसको कैसे काटे, मत ही काटो तुम। अरे भाई मेरे कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा कि नहीं आएगा, 0.8 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा 0.8। यूनिट क्या आएगी, मोलल, क्या आएगी मोलल, या फिर मोल पर किलोग्राम। तुमने कहा समझ में तो आ रहा है, कर ले जाएंगे। हमने कहा सुनो एक जरा झंझनाता हुआ क्वेश्चन करके दिखाओ। हमने लिखा 9.8% W/W H2SO4 सॉल्यूशन। तुमने कहा इसका मतलब हुआ 9.8 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमने कहा बिल्कुल सही है। तुमने कहा सर छोड़ो इसका तो हम निकाल ही लेंगे, अभी हमको कंसंट्रेट करने कर दो किस पे, मास ऑफ सॉल्वेंट पे। तो तुमने कहा मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, तुमने कहा सर सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्वेंट बराबर क्या हो जाएगा। हमने कहा देखो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का घटा दो। तुमने कहा सॉल्यूशन में से सॉल्यूट, सॉल्यूशन तो 100 है, सॉल्यूट घटाया 9.8 तो आ गया 90.2 ग्राम। तुमने कहा किलोग्राम बदलना है, तो 90.2 / 1000 लिख दो, कोई दिक्कत, ये आ गया किलोग्राम में, मामला एकदम चकाचक टाइट है। तुमने कहा एकदम क्लियर है, सिर्फ एक चीज बचा हुआ है, मोल निकालो खटाक से। 9.8 / H2SO4 का होता 98। तुमने कहा चलो ये भी आ जाएगा, हमने कहा 0.1 होता। तुमने कहा मोलालिटी निकालना है, मोल्स हो गया 0.1 / 90.2 / 1000, ऊपर जाएगा 0.1 × 1000 / 90.2, ये हो जाएगा 100। अरे भाई ये गुणा करेगा 100 / 90.2 तो 1.12 समथिंग आएगा। मो लल, क्लियर है, क्लियर है, मजा आ रहा है। चलो तुमने कहा कुछ इसमें अलग सा क्वेश्चन करते हैं, अलग से करेंगे, बट अपनी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन बहुत झन्नाटेदार दे रखा है। क्वेश्चन क्या है देखेंगे जरा, क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ 3M सॉल्यूशन
एक 3M सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी दे रखी है, NaCl सॉल्यूशन है, डेंसिटी दे रखी है 1.25 ग्राम पर ml, मोलालिटी निकालना है। देखो मैं सॉल्यूशन इसका रिलेशनशिप बताता हूं, बट रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आप निकालना सीखेंगे, ठीक है। देखिएगा 3M सॉल्यूशन NaCl का मतलब क्या हो गया कि 3 मोल, ध्यान समझना, 3 मोल NaCl प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब तुमने कहा सॉल्यूशन का तो तुम्हें वेट पता चल गया, हमने कहा हां, तो देखो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हमने कहा अपने को मास चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो तुमने कहा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर दो। हमने कहा डेंसिटी 1.25 ग्राम पर एमएल है, तुमने कहा कोई बात नहीं 1000 एमएल हो जाएगा, ये 1250 ग्राम आएगा। तो हमने कहा सॉल्यूशन के मास से अभी भी अपने को कोई लेना देना नहीं है, मोलालिटी निकालना दिमाग में सेट है भैया कि सॉल्वेंट का क्या चाहिए मास, वो भी किसमें, किलोग्राम में। तो तुमने कहा आप करेंगे क्या, तो हमने कहा सुनो अगर तुमको सॉल्वेंट का मास चाहिए तो सॉल्यूशन में से घटा दो ना भाई, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास घटा दो, तो सॉल्यूशन हो गया 1250 माइनस 1 मोल NaCl होता तो NaCl का होता है 58.5, अब 3 मोल NaCl है तो 3 × 58.5, तो 1250 में से 175 और इसमें से घटाया तो 1074.5 ग्राम आया, यानी कि 1074.5 बटे 1000 किलोग्राम आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब अपने को मोलालिटी चाहिए, तो मोलालिटी की क्या होगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 3 है, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 1. तुमने कहा 1. क्यों, 1074.5 लिखो, हमने कहा चलो लिख लो 1074.5 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई 1074.5 और ये आएगा 2.79, कितना आएगा 2.79 मोल पर किलोग्राम। तो यूज ऑफ ग्राफ इन एनालिसिस का मतलब हम क्या समझते हैं, इसका कोई थ्योरेटिकल मतलब नहीं है, ये सिर्फ बताना चाह रहा है आपकी टेक्स्ट बुक में देके कि जब आप कभी लैब में टेस्ट करोगे ना, तो आप जो एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू निकालोगे और उससे कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है उसके बारे में बता रहा है, और उसमें बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, जैसे पीबी इक्वल टू एनआरटी सुना होगा आपने, अगर प्रेशर को कांस्टेंट मान लूं, ठीक है, तो वी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, टी आएगा, मतलब वी प्रोपोर्शनल टी का मतलब क्या हो गया, ये वाई प्रोपोर्शनल एक्स के जैसा या वाई इक्वल टू एम एक्स के जैसा ग्राफ होगा। आपने कहा बिल्कुल, ये अगर मैं इस पे वी रखूं, इसके मैं टी रखूं, तो ग्राफ ऐसे कुछ आएगा आएगा ना, ग्राफ आएगा, बट ये ग्राफ कैसे आया है, ये तो भाई हमें रिलेशन मिला है ना, ये तो इन्हीं रिलेशन से मिलके तो पी बी इक्वल टू एनआरटी बना है, ये बहुत सारे रूल्स मिलके बने हैं, जब आइडियल गैस आपने पढ़ेंगे तो समझेंगे कि ढेर सारे रूल मिलके वो आइडियल गैस इक्वेशन देते हैं। तो इसमें जो अपने में ग्राफ यूज कर रहा है, इसमें आपको बता रहा है कई ग्राफ के बारे में, मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूं। पहला ग्राफ दे रखा है बी वर्सेस टी के बीच, ध्यान समझिएगा, इधर बी है, इधर V है, इधर T।
उसने जब वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच, मैं बात कह रहा हूं कैसे यूज किया, अगर आप उसको समझा रहा हूं, जब उसने वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच कोई डेटा लिया होगा फिक्स अमाउंट के लिए, फिक्स अमाउंट का एक सब्सटेंस है, ऐसा नहीं कि सब्सटेंस बदल दे रहे हो बार बार, मजा नहीं आएगा, फिक्स अमाउंट का सब्सटेंस है और हमने एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे फिक्स वॉल्यूम और दसना, ये वॉल्यूम है ये टेम्परेचर, ठीक है, मुझे एक डेटा ये मिला और एक इधर मिला, 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 ध्यान समझना, एक इधर मिला, एक इधर मिला, एक इधर मिला, एक इधर मिला, ये कम मिला होगा जब पर्टिकुलर वॉल्यूम इसका इतना रहा होगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर इसका इतना रहा होगा, एक्सपेरिमेंट किया हमने, इसका वॉल्यूम मैंने इतना लिया और इसका टेम्परेचर इतना किया तो मुझे इनके बीच में रिलेशन मिला, ये जिगजग टाइप का कुछ पॉइंट मिला है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि कैसे हम उस ग्राफ को मतलब एक प्लेन लाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं उसको सिखा रहा हूं। हो सकता है कि आपने जो डेटा ली है, ध्यान समझिएगा, हो सकता है कि आपने जो डेटा ली है उस डेटा में वैल्यू उतनी सेट ना हो रही हो, इस वजह से ऐसे गड़बड़ा रहा ग्राफ। लेकिन ध्यान समझिएगा, अगर आप इनको मिलाते हो, ध्यान समझना, इनको मिलाया आपने, ठीक है, इनको मिलाया आपने, ठीक है, फिर इनको मिलाया आपने, फिर इनको मिलाया आपने, फिर इनको मिलाया आपने, फिर देखिए क्या ये जिगजग टाइप का ग्राफ बन रहा है कि नहीं बन रहा बन रहा है, तो मतलब उस पॉइंट को, उस पर्टिकुलर पॉइंट को मिला के आप ग्राफ नहीं बना सकते, ये कुछ है ही नहीं, ये तो एक बस एक्सपेरिमेंट की वैल्यू दे रखी है, और क्यों दे रखा है ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि आपको ऐसा देना चाहिए कुछ समझाने के लिए, जब आप लैब में जाओगे खुद ही सीखोगे, ठीक है, अरे बात समझ में आ रही है, तो ये वाली पॉइंट तो नहीं आनी चाहिए क्योंकि एक्सपेरिमेंट वैल्यू कहती है कि जिगजग लाइन थोड़ी ना हो सकती है, वो तो स्ट्रेट लाइन होगी। तो क्या करोगे आप, ध्यान समझना, तो दो लाइन खींचो, ठीक है, ये वी वर्सेस टी के बीच, ठीक, ध्यान समझिएगा, ये ग्राफ खींच दिया, पॉइंट कुछ ऊपर थे, कुछ पॉइंट ऊपर थे, कुछ नीचे थे, कुछ ऊपर थे, कुछ नीचे थे, कुछ ऊपर थे, कुछ नीचे थे, ध्यान समझिएगा, हमने बीच में से एक पॉइंट खींच दिया, ठीक है, अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई मेरे, आ रही है, इसको प्लेन लाइन है। अब ये जो पॉइंट ऊपर वाले हैं ये क्या दर्शा रहे हैं, ये पॉजिटिव डेविएशन दर्शाते हैं, क्यों भाई, ग्राफ अपना ये आया है, इससे ऊपर अपना ऑब्जर्वेशन आया था, क्या था, अपना ऑब्जर्वेशन आया था, और ये निगेटिव डेविएशन दर्शाते हैं, ये पॉजिटिव डेविएशन, ये निगेटिव डेविएशन, ये पॉजिटिव डेविएशन, मतलब इस कर्व से जितने भी पॉइंट्स ऊपर होंगे वो पॉजिटिव डेविएशन दर्शाएंगे, जितने भी पॉइंट्स नीचे होंगे वो निगेटिव डेविएशन दर्शाएंगे, बस इस ग्राफ का इतना सा मतलब है, इसमें कोई लोड नहीं लेना है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको वैल्यू दे रखी है, समझ रहे ग्राफ कैसे बनाते हैं, जैसे आपने एक्सपेरिमेंट किया एक्स और वाई के बीच, किसी कोई भी एक एक्स और वाई की वैल्यू, ये बिन, फिर ये आया, 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 अब इसको क्या करते ना, इसको ऐसे से मिलाते हैं, ध्यान समझिएगा, ऐसे से मिलाते हैं, मिलाने के बाद ढेर सारा ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर इनके बीच से एक पॉइंट खींचते हैं, ध्यान समझिएगा, जो जो मीडियम होता है, जो क्या होता है, मीन होता है या मीडियम होता है, मैथ थोड़ा ये केमिस्ट्री में दोनों यूज कर सकता हूं, अब इनमें से जो पॉइंट ऊपर रह जाते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन दर्शाते हैं, जो नीचे रहता है नेगेटिव डेविएशन दर्शाते हैं, बस इतनी सी बात है, इसमें और कोई खास बात नहीं है, तो ये सेकेंड टॉपिक यहीं पर खत्म होता है, लेकिन लेकिन एक्सरसाइज, ध्यान समझिएगा,
एक्सरसाइज जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं उसमें एक एक पॉइंट का मतलब समझाऊंगा। जिन बच्चों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है या पढ़ने की इच्छा नहीं थी, बस उनको एक्सरसाइज करने थे, एक्सरसाइज जरूर देखिएगा, मजा आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ।